गाइज, ईवी एक्सपोज अक्सर होते रहते हैं, तो आज ईवी का एक्सपो हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा ईवी एक्सपो जो है वो स्टार्ट हो गया। ये जो एक्सपो है वो 3 दिन चलेगा, 7, 8 और 9 सितंबर को चलेगा। इसका कंप्लीट एड्रेस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आके आप नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किस तरीके से आपको एंट्रेंस मिलेगी। और चलते हैं एक एक करके चेक करते हैं यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे को देखने के लिए मिले, कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को अपकमिंग देखने के लिए मिलेगा और कौन सा इलेक्ट्रिक बाइक हमारे को देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, एंट्रेंस करते साथ ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जहाँ पे आपको, अगर आप कोई कंपनी से हैं या कोई कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, तो यहाँ पे आपको अपना जो विजिटिंग कार्ड है वो दिखाना होगा। अगर आप विजिटर हैं, नॉर्मल एग्जीबिशन विजिट करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका कुछ इस तरह का आई कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। आप आई कार्ड मिलने के बाद आप अपने एग्जीबिशन को जो विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ आई हैं या जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक्स आई हैं, उनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम भी चल के चेक करते हैं। तो गाइस, एग्जीबिशन स्टार्ट करते ही पहला स्टॉल आपको मिलेगा सर का। तो सर, प्लीज अपनी कंपनी के बारे में बताएं। रिमार्क इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो और सर, ये जो मॉडल है, ये किस मॉडल के बारे में बताएंगे? रेट्रो मॉडल है, वी आर ट्राइंग टू रिलीव द ओल्ड डेज। बिल्कुल, काफ़ी मेरे को पुराने जो हमारे जो विंटेज हुआ करते थे उनकी याद दिला रहा है। तो बट अब इलेक्ट्रिक में आ गए, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे और इसमें क्या मोटर हमारे को देखने के लिए मिलेगी? मोटर इसके अंदर इज अबाउट विच कैन रन फॉर 120 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज। ओके, वी आर गिविंग अ 72 वोल्ट बैटरी इन दिस। ओके, एंड यू कैन रीचार्ज दिस बैटरी फॉर 4 hours। ओके, इन फॉर अ सिंगल चार्ज। ओके, तो विद इन 4 hours ये जो है कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है और 120 किलोमीटर की ये रेंज प्रोवाइड करती है। सर, अगर बात करूँ मैं इसकी मोटर की, तो ये मोटर जो है इसमें कितनी लगी हुई है? It is about 1500 watts. Okay, तो 1500 watts की जो मोटर है। और अगर मैं बात करूँ अगर इसकी प्राइसिंग की, तो ये प्राइसिंग कितनी होगी? प्राइसिंग फॉर दिस इज एक्स शोरूम प्राइस इज अबाउट 1,05,000. और अगर किसी को डिलीवर्ड कराना हो, अगर पैन इंडिया से अगर किसी को डिलीवरी कराना हो, आवर सेल्स पॉइंट अक्रॉस इंडिया, वी हैव डीलर्स ऑल ओवर इंडिया। ओके, वी आर moving ahead with more dealers. Okay, अभी आपके showrooms जो हैं वो कहाँ कहाँ पे available हैं? They are spread across India. Across India available हैं। Rajasthan, we have presence in Punjab, we have presence in Bangalore, in fact we have presence in Maharashtra also. Okay, we are moving ahead. Okay, most of cities हैं जहाँ पे अभी EVs की काफी demand है, like Maharashtra, Bangalore, वहाँ पे आप available हैं। Bihar also, we have a dealer in Patna also. Okay. तो मोस्ट ऑफ द जगह पे आप लोग अवेलेबल हैं। ओके सर, ये स्कूटर के बाद आपका एक ये स्कूटर भी मैं देख रहा हूँ, तो इसके बारे में भी कुछ बताएंगे सर? दिस ऑल्सो हैज गॉट 1500 वॉट्स मोटर इन इट। ओके, एंड दैट्स अ रजिस्ट्रेशन मॉडल दैट हैज टू बी अप्रूव्ड, दैट इज अप्रूव्ड बाय आरटीओ। ओके, यू नीड टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस एंड फॉर दैट। ओके, वी हैव मोर मॉडल्स ऑल्सो, वी हैव अ स्टॉल इनसाइड इन द मेन एरिया। ओके, यू कैन सी और अबाउट 10 मोर मॉडल्स। ओके, तो मैं वो भी कवर जरूर करूंगा। तो सर, अभी ये जो गाड़ी मैं देख रहा हूँ, इनकी टॉप स्पीड जो है वो कितनी है? See, for that the top speed is about 65 to 70 kilometers. Okay. और इसके लिए? This we actually are promoting this in the slow speed segment. Okay. So this speed is below 30 kilometers per hour. Below 30 kilometers. Okay. तो गाइस, पहला ये जो स्टॉल था ये केवल स्टार्टिंग का स्टॉल था, इसमें अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके वो भी कवर करते हैं। ये जो पहला जो आपने स्कूटर देखा, ये स्लो स्पीड का स्कूटर था। अब मैं इस एग्जीबिशन में ये चीज़ चेक करना चाहूँगा कि यहाँ पे हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो यहाँ पे हमारे को देखने के लिए मिलते हैं कि नहीं मिलते। ये जो स्टॉल था, इस स्टॉल की और भी कई मॉडल्स जो हैं वो अंदर लगे हुए हैं, तो चलिए आइए चल के वो भी चेक करते हैं। एंट्रेंस होने के बाद एग्जीबिशन एक्चुअली स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ पे आपको सारी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। गाइज, एग्जीबिशन केवल नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं, हैंडीकेप लोगों के लिए भी था। तो यहाँ पे मेरे को ये ट्राई साइकिल भी देखने के लिए मिली। जो भी मैंने गाड़ी कवर करी है रिवार्ड कंपनी की, उन्हीं की तरफ से मेरे को ये हैंडीकेप ट्राई साइकिल भी देखने के लिए मिली, जिसमें हमारे को मिड ड्राइव मोटर देखने के लिए मिलती है।
इसके बाद सेकंड काउंटर था ओडीसी कंपनी का। ओडीसी कंपनी की तरफ से ये जो ब्लू कलर का इलेक्ट्रिक स्कूटर आप देख रहे हैं, ये काफी मॉडर्न लुक का इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने के लिए मेरे को मिला। यहाँ ये एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जाके कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा। इसके बाद ओडीसी कंपनी की तरफ से मेरे को निंजा लुक की एक बाइक भी देखने के लिए मिली। ये भी बाइक जो है वो काफी हाई स्पीड बाइक यहाँ पे देखने के लिए मेरे को मिली थी। देखिए काफी सारी कंपनी इस तरह की गाड़ी जो है वो प्रोवाइड करती है, बट वो हाई स्पीड नहीं होती, बट ओडीसी कंपनी जो है वो हाई स्पीड गाड़ियां जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ इनके कुछ लोडर्स भी थे। और एक जो बाइक थी जिसने काफी ज्यादा अट्रैक्शन अपनी तरफ मेरा खींचा वो था ये पल्सर लुक की बाइक हमारे को देखने के लिए जो मिली। अब आप इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मेरे चैनल पर ऑलरेडी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसकी जो डिटेल है वो अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वहां पर जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं।